बनारस में इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की महत्वाकांक्षी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के लिए मकानों के साथ साथ मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मंदिरों को तोड़ा जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है। देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों जब आप पक्का महल कहे जाने वाले बनारस के गदौलिया इलाके में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ से गुजरेंगे तो आपको मंदिर से सटा एक बड़ा हिस्सा ढहा हुआ दिखाई देगा। इन ढहाए गए हिस्सों में आपको भगवान गणेश, भोलेनाथ के टूटे फूटे मंदिर दिखाई देंगे। मंदिर के इन हिस्सों को हाल ही में स्थानीय प्रशासन ने गिरा दिया, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम के इशारे पर यह सब हो रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार को अचानक ये ख्याल आया कि बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया को एक दूसरे के सामने रहना चाहिए। फिर इसी के नाम पर पिछले 2-3 महीने से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू हो गया और इसका खामियाजा इस कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले करीब 300 घरों और 60 से ज्यादा मंदिरों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 70 से ज्यादा घरों का अधिग्रहण भी कर लिया है, जिसमें से 30 से ज्यादा घरों को अब तक तोड़ा जा चुका है। मंदिरों को तोड़ने का जब लोगों ने विरोध किया तो प्रशासन ने किसी और मंदिर को नहीं तोड़ने का आश्वासन दिया और जिस मंदिर को तोड़ा गया था उसको दोबारा निर्माण का भी वादा किया। इस परियोजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर ललिता घाट तक जाने वाले 700 मीटर के रास्ते का चौड़ीकरण का काम होना है, लेकिन इस कॉरिडोर की सीमा में आने वाले अधिकतर मकान 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इस कॉरिडोर परियोजना की नींव साल 2009 में ही रखी गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इस परियोजना को फिर से जिंदा किया गया है। हालांकि शुरुआत में इस परियोजना में करीब 166 घरों का अधिग्रहण होना था, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या करीब 300 के पार पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 की स्थिति में रहेंगे, कि आर्टिकल 49 के तहत किसी भी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। लोगों का सवाल है कि फिर प्रशासन किस नियम के तहत धरोहरों को तबाह करने और मंदिरों को तोड़ने का अभियान चला रहा है और इसकी भरपाई कैसे होगी। अनमोल कुमार, को न्यूज़।